मेहुल गन पॉइंट पर कूल बुलेट साइंटिस्ट को लेकर चला जाता है और बिग डैडी का राइट हैंड लुका कुछ नहीं कर पाता। लुका के आदमी हेलीकॉप्टर पे फायरिंग करते हैं लेकिन टिम जैसे तैसे करके मेहुल और कूल बुलेट साइंटिस्ट को वहां से ले जाता है। लुका बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने चार लोगों को ही गोली से मार देता है। I will kill you, Mehul. उधर आलिया पैकिंग कर रही थी, वो कहीं तो जाने की तैयारी कर रही थी। हम तो चले परदेश, वुहू। तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है। आलिया दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी अचानक उसे मेहुल सर की एक बात याद आ जाती है। आलिया तुम हमेशा चौकन्ना रहना, दुश्मन कभी भी अटैक कर सकता है। आलिया तुरंत अपनी गन लोड करती है और बगल वाली खिड़की से झांक कर देखती है तो दरवाजे पे दो आदमी खड़े हुए थे और उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट थे। अच्छा तो ये बात है। आलिया समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं आलिया को ऐसा क्यों लगा कि कुछ गड़बड़ है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, दूसरे वाले बंदे के फोरआर्म में जयकाल का टैटू बना हुआ है। इसका मतलब ये जयकाल आर्मी का बंदा है और आलिया को टपकाने आया है। आलिया जयकाल आर्मी के दोनों बंदों से निपटने का प्लान बनाने लगती है। उसके दिमाग में एक खतरनाक सा आइडिया आता है। आलिया अपना दुपट्टा लेती है और घर के पीछे वाले दरवाजे से निकलकर उन दोनों लोगों के पास पहुंच जाती है। सर, इस घर में कोई नहीं है, पहले एक लड़की रहती थी लेकिन कल उसने घर खाली कर दिया। ओ शिट, अब जयकाल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ सर, आप बड़े टेंशन में लग रहे हैं। ओ मिसेस, आप अपना काम करिए वरना आपको भी टेंशन हो जाएगा। इतना सुनते ही आलिया का दिमाग सनक जाता है और आलिया चप्पल उठाकर तेज तेरी और उसको मारने लगती है। आलिया उन दोनों को चप्पल से मारे जा रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, कोई है, ये गुंडे मुझे छेड़ रहे हैं। जयकाल आर्मी के दोनों आदमी बहुत डर जाते हैं और दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। आलिया बहुत खुश हो जाती है और तुरंत मेहुल को कॉल करती है। उस समय मेहुल और टिम भूल भुलैया साइंटिस्ट को लेकर एक हॉस्पिटल जा रहे थे क्योंकि भूल भुलैया साइंटिस्ट को कुछ भी याद नहीं था, वो मेहुल को भी पहचान नहीं रहा था। मेहुल आलिया का कॉल रिसीव करता है। बताओ आलिया। इसके बाद आलिया मेहुल को पूरी कहानी बताती है। शाबाश आलिया, लेकिन अब तुम्हारा मुंबई के घर पे रहना सेफ नहीं है। तुम डॉक्टर संजना और आदि किसी सीक्रेट होटल में छुप जाओ। आलिया तुरंत अपनी स्कूटर से डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाती है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से बंद है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं चारों में क्या ऑड वन आउट है? सोचिए सोचिए। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफी और शरबत तीनों ठंडे होते हैं लेकिन चाय गर्म होती है। आलिया चाय वाला बटन प्रेस करती है और अंदर चले जाती है। अंदर का नजारा देख आलिया एकदम शॉक हो जाती है। डॉक्टर संजना नीचे गिरी हुई है और उनके सर से ब्लड निकल रहा है। आलिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर, डॉक्टर। लेकिन जैसे तैसे करके आलिया खुद को संभालती है और समझ जाती है कि किसी ने अभी अभी डॉक्टर संजना पे हमला किया है। कैसे लॉजिकल आर्मी आलिया को ये कैसे समझ जाता है कि हमला अभी अभी हुआ है? सोचिए सोचिए। डॉक्टर संजना के सर का ब्लड जमीन पे बह रहा है। अगर हमला पहले हुआ होता तो ब्लड के क्लॉट्स बन जाते थे लेकिन ब्लड फ्लोइंग स्टेट में है। ऐसा ही ठीक ट्रेनिंग एयरपोर्ट पे पराग के साथ भी हुआ था। आलिया तुरंत अपना रुमाल निकालती है और डॉक्टर संजना के सर पे बांध देती है। इसके बाद आलिया तुरंत मेहुल को वीडियो कॉल करती है। सर, वो डॉक्टर संजना। आलिया क्या हुआ, डॉक्टर संजना को क्या हो गया है? तब आलिया वीडियो कॉल में मेहुल को पूरा सीन दिखाती है। डॉक्टर संजना का इतना सारा खून देखकर मेहुल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे डॉक्टर संजना को सिक्योरिटी देकर आना चाहिए था। आलिया व्हाट्सएप चैट ओपन करो। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल ने आलिया को मैसेज क्यों किया होगा जबकि वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ध्यान से देखिए, वीडियो कॉल में आलिया के पीछे पर्दे में कोई छुपा है और उसके पैर दिख रहे हैं। आलिया वीडियो कॉल पे स्पीकर पे थी, अगर उसे मेहुल बता देता पीछे कोई छुपा हुआ है तो वो मेहुल की बात सुन लेता और अटैक कर सकता है। आलिया मेहुल का मैसेज देखती है तो थोड़ा डर जाती है लेकिन मेहुल मैसेज करके आलिया को पीछे ना देखने के लिए बोल देता है और मैसेज में पूरा प्लान समझा देता है। ठीक है सर, मैं डॉक्टर संजना को आरके हॉस्पिटल ले जाती हूँ। इतना कहते ही आलिया डॉक्टर संजना को उठाकर लैब से बाहर चली जाती है। आलिया के जाते ही पर्दे के पीछे छुपा आदमी बाहर आता है
और किसी को कॉल करता है, बॉस आलिया डॉक्टर संजना को आर के हॉस्पिटल ले गई है। लेकिन तभी अचानक पीछे से, बेटा अब तू भी रोएगा हॉस्पिटल में, लेटा लेटा। इसके बाद आलिया अपने कराटे स्टाइल में उस आदमी को मार मार कर भर्ता बना देती है और फिर उससे पूछताछ करती है। अब जल्दी बता तुझे यहाँ किसने भेजा था। तब वो आदमी बताता है, मैडम वो तो आरव भाई ने मुझे भेजा था। वो वापस आ गया, अब उसकी खबर लेनी पड़ेगी। आलिया उस आदमी को पुलिस के हवाले करने से पहले आरव का एड्रेस ले लेती है और डॉक्टर संजना को मेहुल के एक डॉक्टर दोस्त के घर ले जाती है। आदि भी वहाँ पहुँच जाता है। आदि, डॉक्टर संजना का ख्याल रखना और इन क्रिमिनल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फो निकालते रहना। मैं एक सीक्रेट मिशन पे जा रही हूँ। कैसा मिशन? आलिया बिना बताए वहाँ से निकल जाती है। उधर मेहुल और टिम बुलबुले साइंटिस्ट को ठीक करने में लगे हुए थे। टिम अपने एक स्पेशल डॉक्टर को भी वहाँ बुला लेता है। डॉक्टर मेहुल से परमिशन लेके बुलबुले साइंटिस्ट को करंट का शॉक देना शुरू करता है। धीरे धीरे बुलबुले साइंटिस्ट को सब याद आ जाता है। अरे मेहुल, हम यहाँ कैसे आए? बुलबुले साइंटिस्ट, हम लोग इस समय सिडनी में है। मेहुल और बुलबुले साइंटिस्ट बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक टिम खिड़की से बाहर देखता है तो लुका अपनी पूरी आर्मी लेकर आ चुका था। मेहुल अपनी गन लोड कर लेता है और पीछे वाली विंडो से जाकर एक हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। लुका मेहुल को देख लेता है और अपनी स्पेशल स्नाइपर गन से मेहुल को टारगेट करता है। खुद की जान बचाने के लिए मेहुल नीचे कूद जाता है। गोली सीधे जाकर विंडो में लगती है। लुका दोबारा से मेहुल को टारगेट करता है लेकिन तब तक मेहुल नीचे गायब हो चुका था। Move. वहीं टीम एक एक करके लुका की आर्मी को मार रहा था लेकिन तभी अचानक मेहुल किसी सुपर हीरो की तरह आता है और हवा में उड़ते हुए टीम की जान बचा लेता है। लुका की स्नाइपर ब्लास्ट हो जाती है। लुका हैंड ग्रेनेड फेंकने लगता है। उधर विंडो के एक छोटे से होल से बुलबुले साइंटिस्ट ये सब देख रहा था। मौके का फायदा उठाकर बुलबुले साइंटिस्ट बगल में पड़ी एक लोहे की जंजीर उठाता है और छुपके से छत पर जाता है और लुका के हेलीकॉप्टर पे वो जंजीर फेंक देता है। लोहे की जंजीर सीधा जाके हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों में फंस जाती है और हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए लुका रस्सी लेकर नीचे कूद जाता है। मेहुल लुका के ऊपर फायरिंग करने लगता है लेकिन उसकी गन काली हो चुकी थी। अब मेरे पास एक भी प्लास्टिक बुलेट नहीं है। मेहुल सीधा जाकर लुका से दो दो हाथ करता है। लुका भी बहुत पावरफुल बंदा है, वो अपनी शर्ट उतार देता है। फाइट करते करते लुका और मेहुल घर के अंदर तक चले जाते हैं। लुका मेहुल को एक मुक्का मारता है और मेहुल उसी बेड पे जाकर गिरता है जिसपे थोड़ी देर पहले बुलबुले साइंटिस्ट को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था। जैसे ही लुका मेहुल को मारने आता है, मेहुल लुका को एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देता है। थोड़ी देर बाद लुका की बॉडी से धुआं निकलने लगता है और बिग डैडी का राइट हैंड लुका मर जाता है। जब ये खबर बिग डैडी तक पहुंचती है तो बिग डैडी पागल हो जाता है और अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। वो अपने ही लोगों को गोली मारने लगता है। जाओ, मुझे डिटेक्टिव मेहुल चाहिए वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। ऑपरा हाउस पे भी अटैक होने वाला है लेकिन हमें जल्दी से जल्दी बैंकॉक भी पहुंचना है। यू गो टू बैंकॉक मेहुल, बैंकॉक नीड्स यू, मी एंड डेविड विल सेव द ऑपरा हाउस। थैंक यू टीम, तुम ऑपरा हाउस संभालो, मैं और साइंटिस्ट बैंकॉक निकलते हैं। मेहुल और बुलबुले साइंटिस्ट एक प्राइवेट एरोप्लेन का जुगाड़ करते हैं और बैंकॉक चले जाते हैं। वहीं ऑपरा हाउस के बाहर बहरूपिया बंद के बहुत सारे गुंडे घूम रहे थे। टिम और डेविड एक एक करके उन्हें ढूंढते हैं और बेहोश करके अपने कार में डालते जाते हैं। We are all done. It seems Australia is safe now. उधर आरव मुंबई के एक होटल में छुपा हुआ था। जैसे ही उसे कॉल पे अपने आदमी के पकड़े जाने की खबर मिलती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और मोबाइल को टेबल पे जोरों से मारता है।
ये आलिया हर बार आके बचा लेती है, इस बार मैं उसे भी टक्का दूंगा। तभी अचानक डोरबेल बजती है। आरव अपनी गन लेकर दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पे एक लड़की खड़ी हुई थी और उसने चेहरे पे स्कार्फ बांधा हुआ था। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस लड़की को पहचान सकते हैं? ये कोई नहीं, अपनी आलिया है। कौन हो तुम? सर, मुझे जयकाल ने आपको ये पार्सल देने के लिए भेजा है। अरे जल्दी अंदर आओ, कोई सुन लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। आलिया अंदर आ जाती है और जैसे ही आरव अपनी गन बेड पर रखता है, आलिया उसे जोरदार किक मारती है। अरे ये तो आलिया है, तेरी इतनी हिम्मत? आरव खड़े होकर गन की तरफ मूव करता है लेकिन आलिया उसे मौका नहीं देती और अपने कराटे स्टाइल में उसकी धुनाई करने लगती है। आलिया आरव को मार मार कर लाल पीला कर देती है और उसके साथ एक फिर सेल्फी भी लेती है। आलिया सेल्फी मेहुल को भेजती है। मेहुल फोटो देखकर हंसने लगता है और रिप्लाई करता है, वाह आलिया, यू आर अ सुपरस्टार। फिर आलिया आरव को एक दो किक और लगाती है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो आलिया, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। लगता है अब तुझे अकल आ ही गई, अब जल्दी से मुझे बिग डैडी के बारे में बता। तब आरव बताता है कि बिग डैडी कल शाम को बैंकॉक आ रहा है, वहाँ दुनिया के बड़े बड़े स्मगलर आने वाले हैं। अच्छा अब समझी, लगता है इसलिए मेहुल सर भी बैंकॉक जा रहे होंगे, मुझे भी बैंकॉक जाना चाहिए। आलिया आरव से बिग डैडी की फोटो मांगती है तो आरव बताता है, आज तक किसी ने बिग डैडी का चेहरा नहीं देखा है, वो हमेशा टोपी चश्मा और स्कार्फ पहना रहता है। आलिया तुरंत पुलिस को कॉल करके आरव को पुलिस के हवाले कर देती है और टैक्सी लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है। अरे भैया थोड़ी तेज चलाओ ना, मुझे अर्जेंट में एयरपोर्ट पहुंचना है। मैडम ये मुंबई है, यहाँ इससे तेज नहीं चल सकते। टैक्सी वाले की बात सुनकर आलिया का दिमाग सनक जाता है। आलिया फुल स्पीड में टैक्सी चलाने लगती है। मैडम मैडम मेरी टैक्सी। लेकिन आलिया भला किसकी सुनने वाली थी। आलिया टैक्सी चलाते हुए एक नजर अपनी घड़ी में देखती है तो 12 बजने वाले थे। आलिया टैक्सी की स्पीड और तेज कर देती है और एयरपोर्ट पहुंच जाती है। ड्राइवर टैक्सी से बाहर आता है तो उसे बहुत तेज पसीना आ रहा था। आलिया 500 का एक नोट टैक्सी वाले को दे देती है। भैया अभी थोड़ा जल्दी में हूँ वरना एक एक रुपए का हिसाब करके जाती। आलिया भागते दौड़ते हुए टिकट लेती है और बैंकॉक की फ्लाइट बोर्ड कर लेती है। एरोप्लेन के अंदर जाते ही आलिया एयर होस्टेस को बुलाती है। एयर होस्टेस आलिया को देखने लगती है। अभी एरोप्लेन में आए उसे एक मिनट भी नहीं हुआ है और उसने खाने पीने का लंबर ऑर्डर दे दिया। आलिया चिप्स खाते खाते सो जाती है। उधर मेहुल और भूलभुले साइंटिस्ट प्राइवेट एरोप्लेन में बैंकॉक जा रहे थे। मेहुल अभी भी जयकाल और सूर्या के बारे में सोच रहा था। सर लैब में लाल रंग की गैस निकली थी लेकिन जयकाल ने लैब के अंदर से भागने के लिए एक सुरंग बना रखी थी और वो सूर्या की डेड बॉडी लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया था, लेकिन सूर्या बचा कैसे, वो तो मर चुका था। इतना सोचते सोचते मेहुल को नींद आ जाती है। उधर अगली सुबह सिडनी के एक अखबार में डिटेक्टिव मेहुल की फोटो छपती है। Proud of you, Detective Mehul. I love my India. मेहुल का प्लेन बैंकॉक के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पे लैंड कर जाता है जहाँ बैंकॉक का डिटेक्टिव चियांग पहले से मेहुल का वेट कर रहा था। उधर थोड़ी देर बाद आलिया का प्लेन भी बैंकॉक पहुंच जाता है। मेहुल और बुलबुले या साइंटिस्ट चियांग के साथ एक स्पेशल कार में एयरपोर्ट से चले जाते हैं। उधर आलिया भी बैंकॉक एयरपोर्ट के बाहर आ जाती है। आलिया बैग नीचे रखकर एक अंगड़ाई लेती है। यार तो काफी कूल प्लेस है। फिर आलिया तुरंत एक टैक्सी वाले को बुलाती है। ओ भाई टैक्सी का कितना लोगे? What you want to say, ma'am? ये तो इंग्लिश में बात कर रहा है, मेरी तो इंग्लिश ही खराब है। आलिया उससे टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ बात करने लगती है। टैक्सी वाले को कुछ कुछ समझ आता है और वो आलिया को बिठाकर निकल पड़ता है। तभी अचानक आलिया को मेहुल का कॉल आता है। कहाँ आलिया, और मुझे थाई लैंग्वेज में कॉलर ट्यून क्यों सुनाई दे रही थी? सर मैं तो अभी बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो आलिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि सेफ जगह पर ही रुकना। आलिया मेहुल से बात कर ही रही थी कि तभी अचानक आलिया पर अटैक हो जाता है। सर सर कुछ गुंडे। इतना कहते ही आलिया का कॉल कट हो जाता है। मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेहुल को बहुत टेंशन आने लगता है। मुझे क्यों लग रहा है कि आलिया बैंकॉक में ही है, कॉलर ट्यून भी था ही था। मेहुल तुरंत मुंबई से आने वाली फ्लाइट चेक करता है। जरूर ये मॉर्निंग वाली फ्लाइट से आलिया आई होगी, मुझे तुरंत उसे बचाना होगा। उधर आलिया अपने बैग से कपड़े निकालकर कार की विंडो से गुंडों पर फेंक रही थी। ये ले ये पैंट ये शर्ट ये दुपट्टा। कोइंसिडेंटली आलिया का दुपट्टा बाइक राइडर के हेलमेट पे आ जाता है और उसकी बाइक डिसबैलेंस होकर गिर जाती है।
इससे पहले कि आलिया अपनी कार की विंडो बंद करती, एक दूसरा बाइक वाला आलिया के ड्राइवर को गोली मार देता है। ड्राइवर ऑन द स्पॉट मर जाता है और कार पूरी डिसबैलेंस होकर सामने वाले पेड़ से टकरा जाती है। बाइक में पीछे बंधा आदमी एक स्पेशल गन निकालता है और कार में फायरिंग करने लगता है। धीरे धीरे कार का ग्लास टूटने लगता है। आलिया बहुत डर जाती है, लेकिन तभी अचानक मेहुल के दोनों हाथों में गन थी। मेहुल एक एक करके सारे किसी को मार देता है। आलिया तुरंत कार से बाहर आती है तो मेहुल चौंक जाता है। आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें सेफ रहने के लिए बोला था, और डॉक्टर संजना कहाँ है? सर, डॉक्टर संजना सेफ है। मुझे लगा आपको मेरे हेल्प की जरूरत होगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। आलिया, तुम भी ना। आलिया अपना मोबाइल निकालती है और आरफ की फोटो दिखाती है, जो आलिया ने आरफ की पिटाई करने के बाद क्लिक की थी। सर, मैंने तो आरफ को ठिकाने लगा दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आरफ इंडिया वापस कैसे पहुंच गया। आरफ मेहुल से फाइट करते समय बाइक ब्लास्ट होने से इंजर्ड हो गया था और मेहुल ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं उस वक्त क्या हुआ होगा और आरफ इंडिया कैसे पहुंच गया होगा? सोचिए सोचिए। डेविड के घर में जाने से पहले मेहुल ने आरफ को कार में लॉक कर दिया था। फिर मेहुल को आरफ का याद ही नहीं रहा, और जब डेविड के घर पे अटैक हुआ उस टाइम पे मौका पाकर आरफ अंदर से कार का ग्लास तोड़कर भाग गया और वापस मुंबई आ गया। शाबाश आलिया, तुमने तो अकेली आरफ की बैंड बजा दी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन सर, आपको कैसे समझा मैं यहाँ बैंकॉक आई हूँ? मेरा डायलॉग मुझ पे आलिया, मैं ऐसे ही डिटेक्टिव मेहुल नहीं हूँ। और बताओ आलिया, एरोप्लेन जर्नी कैसी रही? सर, मुझे तो बहुत मजा आया और मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहती हूँ। तीनों फिर वहाँ से बैंकॉक के एक होटल में पहुँच जाते हैं, जहाँ बुलबुले साइंटिस्ट पहले से पहुँच चुका था। सर, दिस इज माय होटल, यू आर सेफ हियर। आलिया, थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर हमें मिशन पर निकलना है। आलिया अपने कमरे में चले जाती है। कमरा बहुत ही लग्जरी और हाईटेक था। आलिया बेड पर उछलने लगती है, तभी अचानक आलिया की नजर टीवी के रिमोट पर पड़ती है। अपने इंडिया की न्यूज देखती हूँ, आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है? आलिया टीवी ऑन करती है, लेकिन टीवी की स्क्रीन पर एक लॉजिकल पासवर्ड लगा हुआ था, 11, 23, 31, 41, 53 और फिर क्वेश्चन मार्क। आलिया अपना बहुत दिमाग लगाती है लेकिन सॉल्व नहीं कर पाती, और फिर मेहुल को कॉल करती है। सर, वो टीवी पर मेरे एक लॉजिकल पासवर्ड नहीं खुल रहा है। आलिया, मुझे उसका फोटो सेंड करो। आलिया मेहुल को टीवी स्क्रीन की फोटो सेंड करती है। लॉजिकल आर्मी, जब तक मेहुल सोच रहा है, क्या आप बता सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सोचिए सोचिए। लॉजिकल आर्मी, 11, 11 और 20 के बीच का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। इसी तरह 23, 21 to 30 के बीच का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। वैसे ही 31, 31 to 40 के बीच का सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और 41 और 53 भी 41 to 50 और 51 to 60 के बीच के सबसे छोटे प्राइम नंबर है। तो 61 to 70 के बीच में 61 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। मेहुल आलिया को सही आंसर टेक्स्ट कर देता है और आलिया टीवी चलाने लगती है। आलिया टीवी में सबसे पहले डिटेक्टिव मेहुल चैनल को सर्च करती है और यूट्यूब पे डिटेक्टिव मेहुल का वीडियो देखने लगती है। टीवी पर मेहुल के साथ साथ आलिया भी फाइट कर रही थी। आलिया खुद को टीवी पर देखकर बहुत खुश हो जाती है। टीवी पर सूर्या मेहुल के ऊपर बॉम्ब फेंक रहा था, तभी अचानक आलिया तुरंत खिड़की से बाहर देखती है तो सचमुच सूर्या फाइटर जेट लेकर अटैक कर रहा था। मर गए, इसके पास तो फाइटर क्राफ्ट है। लेकिन आलिया भी डरने वालों में से नहीं थी। वो अपनी गन निकालती है और विंडो से फायरिंग करने लगती है। आलिया की एक गोली सीधा जाकर बगल वाले पायलट को लगती है और सूर्या का एक फाइटर जेट डिसबैलेंस होकर क्रैश हो जाता है। वो रही आलिया, उड़ा दो उसे। सारे फाइटर जेट आलिया की तरफ आने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए आलिया अपने स्काई बैग से फ्लाइंग गन निकालती है और विंडो में से होकर चूमंतर हो जाती है। फाइटर जेट आलिया की तरफ घूम जाते हैं, लेकिन तभी अचानक पीछे से बेवकूफ, आलिया को छोड़ो, मेहुल को मारो। सूर्या फाइटर जेट से मेहुल के ऊपर हमला कर देता है। एक मिसाइल सीधा मेहुल की तरफ आने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल और चियांग दोनों को नीचे ही कूदना होगा। अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। छत के ऊपर से एक वायर नीचे की तरफ जा रही थी और छत के ऊपर लोहे के छोटे छोटे तार भी है। मेहुल और डिटेक्टिव चियांग एक एक तार लेकर वायर की हेल्प से नीचे जाने लगते हैं। तभी अचानक सूर्या दूसरी मिसाइल से फायर करता है, लेकिन मेहुल बच जाता है। सूर्या अपने फाइटर जेट से मेहुल को दोबारा टारगेट करता है।
लेकिन तभी अचानक आलिया फ्लाइंग गन से उड़ते हुए सूर्या के फाइटर जेट के बगल में आ जाती है। आलिया के एक हाथ में एक टाइम बम था और आलिया ने टाइम बम के पीछे बहुत सारी गम लगा रखी थी। इससे पहले कि सूर्या कुछ कर पाता, आलिया टाइम बम को सूर्या के फाइटर जेट में चिपका देती है और फ्लाइंग गन का एक बटन दबा देती है। आलिया की फ्लाइंग गन गोली की तरह रफ्तार से नीचे चली जाती है। सूर्या का फाइटर जेट अगले 5 सेकंड में ब्लास्ट होने वाला था। 5, 4, सूर्या फाइटर जेट से नीचे कूद जाता है। सूर्या काफी ऊंचाई से सीधा नीचे जाके गिरता है। उसे देख मेहुल शॉक हो जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब सूर्या को इंसान नहीं एक रोबोट है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्या देख लिया कि उसको लगा सूर्या एक रोबोट है? सोचिए सोचिए। जब कोई इंसान इतने ऊपर से नीचे गिरता है तो जमीन पे गिरते ही पैरों पर बहुत तेज जर्क आता है। इंसान इतने ऊपर से सीधा नीचे गिर के खड़े रह ही नहीं सकता और सूर्या तो सीधा का सीधा खड़ा है। मेहुल, अब तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि एक बार तो मैं पहले ही मर चुका हूँ। लेकिन मैं तुझे फिर से मारूंगा सूर्या, ये ले। ना कहते से मेहुल सूर्या के ऊपर फायर कर देता है। सूर्या की पूरी बॉडी टाइटेनियम से बनी हुई थी, इसलिए नॉर्मल बुलेट सूर्या का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेहुल अपनी ब्लास्टिंग गन निकालता है और फायर करता है, लेकिन सूर्या के पास इंसानों वाली नहीं बल्कि कंप्यूटर वाली आंखें हैं। सूर्या ब्लास्टिंग गन की बुलेट को आसानी से देख लेता है। सूर्या पीछे झुक जाता है और ब्लास्टिंग बुलेट एक पेड़ से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। मेहुल एक एक करके फायर करता है लेकिन एक भी बुलेट सूर्या को नहीं लगती। मेहुल, अब मेरी बारी है। और देखते ही देखते सूर्या के दोनों हाथ गन के शेप ले लेते हैं। तभी ऊपर से आलिया आती है और सूर्या के टकली पर एक जोरदार मुक्का मारती है। ओए माँ, इसकी टकली तो बहुत सॉलिड है। सूर्या पीछे मुड़ता है और आलिया के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मूव आलिया, मूव। आलिया फ्लाइंग गन का एक बटन दबाती है और गोली की रफ्तार से उड़ जाती है। सूर्या बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। मेहुल और चियांग पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि सूर्या को कैसे हराया जाए। तभी अचानक मेहुल की नजर सूर्या के चेस्ट पे पड़ती है। सूर्या के चेस्ट पर एक चिप जैसा कुछ लगा हुआ था। मेहुल अपनी गन से सूर्या के चेस्ट को टारगेट करता है और फायर कर देता है। गोली सीधा जाके सूर्या के चेस्ट पर लगती है और सूर्या की बॉडी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सूर्या की बॉडी से धीरे धीरे धुआं निकलना लगता है और सूर्या नीचे गिर जाता है। मेहुल और चियांग तुरंत सूर्या के पास जाते हैं। गुड बाय सूर्या। इतना कहते ही मेहुल सूर्या की चेस्ट को दोबारा फायर करता है और सूर्या की रोबोट बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। उधर जैसे ही जयकाल को अपने राइट हैंड सूर्या के मरने की खबर मिलती है तो जयकाल का दिमाग खराब हो जाता है। मैंने बड़ी मुश्किल से सूर्या का रोबोट बनाया था लेकिन मेहुल ने उसे मार दिया। मैं मेहुल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर आलिया भी वापस मेहुल के पास आ जाती है। थोड़ी देर बाद बुलबुले साइंटिस्ट भी वहाँ पहुँच जाता है। बुलबुले साइंटिस्ट को देखते ही आलिया उसे गले लग जाती है और बच्चों की तरह साइंटिस्ट की गर्दन में आलिया लटक जाती है। अरे नीचे उतरो आलिया, मेरी उम्र का भी ख्याल रखो। नीचे उतरो आलिया, ये मस्ती का समय नहीं है, हमें अभी मिशन पे निकलना होगा। लॉजिकल आर्मी, आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिशन में हमारा साथ दीजिए। आलिया सनग्लासेस और टोपी लगा के लेमन ड्रिंक पी रही है और मेहुल हाफ पैंट में बीच पर चश्मा लगा कर घूम रहा है। चियांग बॉडी मसाज ले रहा है। वाह, यहाँ तो मजे ही मजे है। मैं बहुत सारा पैसा लेके यहीं पे शिफ्ट हो जाती हूँ। आलिया अलर्ट हो जाओ, दुश्मन कभी भी आ सकता है। सर आने दो उस बिग डैडी को, उसका तो आज राम नाम सत्य ही कर दूंगी। थोड़ी देर बाद बीच पर तीन लोग आ जाते हैं। Listen me, he is coming. चियांग की बात सुनते ही मेहुल तुरंत समझ आता है कि तीनों में से कौन सा आदमी बिग डैडी का आदमी है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं कौन सा आदमी बिग डैडी का हो सकता है जो नाटक कर रहा है? सोचिए सोचिए। बीच वाले के नारियल को देखिए, वो कटा हुआ ही नहीं है और वो डायरेक्ट नारियल पी रहा है। ऐसा नारियल कौन पीता है? चलो ऐसा कोई पिए भी तो उसे कट तो करना होगा। इसका मतलब ये बंदा नारियल पीने का नाटक कर रहा है। सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। तभी अचानक बीच पर एक शिप आती है। शिप के अंदर से एक आदमी अपने बॉडीगार्ड के साथ बाहर निकलता है और उस आदमी के चेहरे पे स्कार्फ लगा हुआ था और उसने टोपी पहन रखी थी। कहीं ये बिग डैडी तो नहीं? सर आप ऑर्डर तो दो, अभी के अभी इसका काम तमाम कर दूं मैं। नहीं आलिया, मेरे सिग्नल का इंतजार करो, हमें बिग डैडी के साथ साथ उसकी पूरी गैंग को भी पकड़ना है। और अगले ही पल बीच पे कुछ लोग आ जाते हैं। उनके हाथ में कुछ स्पेशल बैग भी थे और सारे लोगों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। ये आगे वाला बंदा तो जाना पहचाना सा लग रहा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं ये आगे वाला बंदा कौन हो सकता है? सोचिए सोचिए।
ध्यान से देखिए, वो आदमी के बाल बिल्कुल जयकाल की तरह है। इसका मतलब जयकाल और बिग डैडी कोई बहुत बड़ी डील करने आए हैं। मेहुल अपनी टीम को सिग्नल देता है और चियांग के साथ मिलकर जयकाल के पीछे से जयकाल को गन पॉइंट पे पकड़ लेता है। उधर आलिया भी पीछे से जाकर बिग डैडी के सर पे गन लगा देती है। अपने आदमियों से गन फेंकने बोल दो वरना तेको मैं टपका दूंगी। बिग डैडी अपने बॉडीगार्ड से गन फेंकने के लिए कहता है और मेहुल जयकाल का मास्क हटा देता है। लेकिन ये क्या, ये तो नकली जयकाल है। जयकाल ने अपनी जगह किसी दूसरे आदमी को भेजा था और उसने चेहरे पर जयकाल का मास्क लगा रखा था। तभी अचानक मेहुल के मोबाइल में रिंगटोन बजती है। मेहुल कॉल रिसीव करता है तो सामने जयकाल था। मेहुल, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, लेकिन मैंने तुम्हारी मौत की पूरी प्लानिंग करके रखी है। अपने चारों तरफ देखो। मेहुल अपने चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि कहां पर गड़बड़ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कहां पे गड़बड़ है? ध्यान से देखिए, बीच पर बहुत सारे नारियल के पेड़ तो है लेकिन वो बहुत दूर है। लेकिन नारियल तो सब यहीं आसपास पड़े हुए है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब नारियल के अंदर। हेलो डिटेक्टिव मेहुल, नाउ लीव योर गन अदरवाइज। मेहुल और उसकी पूरी टीम गन फेंक देती है। बिग डैडी पीछे खड़े आलिया को पकड़ता है और घुमाकर फेंक देता है। आलिया दूर जाकर गिरती है। इसके बाद बिग डैडी चांद के पैर में एक गोली मार देता है। स्टॉप, यू कैन शूट मी बट लीव माई टीम। आई विल किल ऑल द डिटेक्टिव एंड यू एज वेल डिटेक्टिव मेहुल। इतना कहते ही बिग डैडी अपनी गन लोड करता है और चियांग को शूट करने ही वाला होता है कि तभी अचानक मौका पाते ही आलिया नकली जयकाल के बाल पकड़कर खींचने लगती है। मेहुल बिग डैडी से फाइट करने लगता है। दोनों हेलीकॉप्टर से मेहुल और उसकी टीम के ऊपर फायरिंग शुरू हो जाती है। मेहुल चियांग को सपोर्ट देकर वहां से भागने लगता है। आलिया गन लेकर मेहुल को कवर फायर देती है और एक गोली ऊपर एक हेलीकॉप्टर की तरफ मारती है जो सीधा हेलीकॉप्टर में लगती है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। बिग डैडी अपने बॉडीगार्ड के साथ शिप से भागने लगता है। आलिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन ऊपर से एक हेलीकॉप्टर फायर कर रहा था, इसलिए आलिया आगे नहीं जा पा रही थी। आलिया, चियांग को गोली लगी है, हमें जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मेहुल और आलिया चियांग को लेकर वापस आने लगते हैं और बिग डैडी अपने बंदों के साथ वहां से भाग जाता है। लॉजिकल आर्मी, क्या मेहुल दोबारा से बिग डैडी को पकड़ पाएगा और जयकाल सूर्या की मौत का बदला कैसे लेगा? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।